दोस्तों ये यहाँ पे से दो रोड जा रहे हैं, तो सीधा वाला जा रहा है वो जा रहा है आमेर, और ये जो लेफ्ट वाला जा रहा है इधर हम जा रहे हैं ये जा रहा है जयगढ़ और नाहरगढ़। तो चलो चलते हैं। और दोस्तों यहाँ से दिख रहा है पूरा जयपुर, आप देख सकते हो वो जल महल है, और ये जो दिख रहा है आपको पूरा जयपुर दिखता है यहाँ से मिलेगा आपको यहाँ पे। और ये जा रहा है अपना नाहरगढ़, ये वाली रोड जा रही है जयगढ़, तो हमको जाना है जयगढ़। तो दोस्तों ये है जयगढ़ फोर्ट, यहाँ पे सबसे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी है, ये है इसका रास्ता। तो आओ चलो चलते हैं, मिलाते हैं तोप से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सुमित जयपुर ब्लॉग। और आज हम आ चुके हैं जयगढ़ किले में, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे जो तोप है ये, मतलब ये तो ऐसी तोप है, लेकिन आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखने आए हैं जयगढ़ किले के अंदर। और चलते हैं फिर अंदर बिना टाइम वेस्ट किए, बने रहना इस वीडियो में, देखते रहना वीडियो पूरी, वीडियो में एंजॉय करवाऊंगा जयगढ़ किले की। चलो तो ये जो तोप्स हैं सारी की सारी जयगढ़ किले में बनी हुई है दोस्तों, देख जैसे देख। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये लड्डू नहीं है, ये छोटे छोटे ये सब तोप के गोले हैं ये। और ये जो आप देख रहे हो सबसे बड़ा ये 50 किलो का है, ये जो अपन आज जो देखना है अपन जो तोप जयगढ़ की सबसे बड़ी तोप उसका ये गोला है 50 किलो का है, इसका हम पूरा अपन विस्तार से देंगे। और ये छोटे छोटे सब तोपों के गोले हैं, ये सारे देख सकते हो आप, ये लोहे के बने होते हैं दोस्तों। बस इधर ये भी ले लेना, टाइम बॉम्ब, गन पाउडर, ये देख सकते हो। तो आप दोस्तों ये गन पाउडर का वो है पाउडर, इससे क्रश करके बनाया करते थे, ये दिखा हुआ है बारूद जांचने की मशीन, जो बारूद जो जांचते थे इससे जांचते थे ये जो है। तो आज अगर ना अपन आ चुके हैं जयगढ़ के किले में, तो आज की वीडियो में जल जला मचा दें दोस्तों, जल जला देखते रहें पूरी वीडियो को। आओ तो कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो ये सुभाट निवास जो आप देख रहे हो, ये पूरा ये जो सुभाट निवास है यहाँ पर, मतलब एक्चुअली जयगढ़ किले में राजा नहीं रहता था, यहाँ पर रहती थी उनकी सेना है। तो जो सेना रहती थी, जो कभी भी कोई युद्ध हुआ करता था तो युद्ध के टाइम पर उनको जो जब उनको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकती है, तब वो यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ पर आया करते थे, वो यहाँ पर राजा आया करते थे कुछ टाइम के लिए, ओनली कुछ टाइम के लिए यहाँ पर आया करते थे बैठने। ये दीवाने आम है, जैसे कि आपको आमेर किले में देखा था दीवाने आम है, यहाँ पर आम लोगों की दिक्कतें सॉल्व हुआ करती थी। और आप ये देख सकते हो मेरे पास ये जो कूलर है, ये उसी टाइम के कूलर है, इनको ये लोग जो कूलर है तीन तरफ से हवा देते हैं, ये इधर से तीनों तरफ से हवा देते हैं। इसके बाद आप ये बग्गी सी देख रहे हो, ये बग्गी नहीं है, इसको हाथी के ऊपर रखा जाता था, हाथी के ऊपर राजा इस पर बैठ कर वो करते थे सवारी वगैरह। और ये भी वही है। और ये जो ड्रम देख रहे हो आप बड़े बड़े, ये जो ड्रम है ये उस टाइम पे जब कोई भी ओकेजन होता था या किसी को बुलाना होता था या फिर कोई भी मनोरंजन करता था, तो इनको ड्रमों को बहुत तेज बजाकर इनसे सबों को बुलाया जाता था और मनोरंजन किया जाता था। बाकी जो कार है ये तो अभी की कार है, ये पुरानी नहीं है। तो ये दीवाने आम है एक तरह से बोल सकते हैं इसको, राजा जो हुआ करता था वो कभी कभार आता था, ओनली युद्ध के टाइम पे जैसे उनको वो लगे दिक्कत लगे, मतलब दिक्कत मतलब खतरा लगे तो वो यहाँ पर आता था। ये दीवाने आम है। खाली भाती निवास, जैसे कि आप देख सकते हो खाली भाती, मतलब इसमें जो राजा और मंत्री हुआ करते थे ओनली उनकी मीटिंग हुआ करती थी, देख सकते हो आप ये पूरा विलास देख सकते हो आप पूरा, ये ओनली मंत्री और राजा की मीटिंग के लिए हुआ करता था। ये बहुत छोटा देखने में दीवाने खास से, क्योंकि यहाँ पर ओनली मंत्री और राजा हुआ करते थे बस। अब चलते हैं सीधे लक्ष्मी विलास की तरफ, आओ इधर आ इधर आ। ये जो आप देख सकते हो ये जो बड़े बड़े गेट्स हैं दोस्तों, तो ये गेट जो हुआ करते थे उस टाइम के राजा महाराजा की हाइट के अकॉर्डिंग बना करते थे। तो आप देख सकते हो मेरी हाइट कितनी सी है और ये कितने बड़े बड़े गेट हैं, तो उन्हीं के लिए गेट उनके हिसाब से डिजाइन किए गए थे उस टाइम। ये लक्ष्मी निवास है, इसके अंदर राजा महाराजा जो थे वो मनोरंजन किया करते थे। और दूसरी बात एक और बता दोस्तों, यहाँ पर आप पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे बुकिंग करा सकते हो आराम से, यहाँ पर आप अपनी पार्टी कर सकते हो अगर आप उस टाइम का रॉयल चीज़ का लुत्फ उठाना चाहते हो। तो लक्ष्मी निवास है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, नीचे रानियाँ बैठा करती थी, और यहाँ सामने मनोरंजन हुआ करता था, इधर सामने मनोरंजन हुआ करता था, कठपुतलियों का
शो चलता था उस जगह पे। तो देख सकते हो आप ये गैलरी, ये भूलभुलैया एक तरह से बोल सकते हो आप। यहीं पर वो जो अपना आमेर से और जो जयगढ़ का किले का रास्ता है वो यहीं पर आके मिलता था, देख सकते हो आप। आमेर किले का जो था वो यहीं पर आके मिलता था, ये गैलरी है। यहाँ पर आप आओगे तो भूल भुलैया फंस जाएगा, इतना काफी होता था राजा लोगों को निकलने के लिए। निकल निकल कम निकल रहा है, इधर आ जाइए। ये दिखा ये जो है, यहाँ पर राजा रानी बैठा करते थे और ये सामने कठपुतलियों खेल हुआ करता था उस टाइम भी, और मनोरंजन तो आज से पहले भी बहुत ही फेमस था, देख सकते हो आप। आज भी वही की वही पपेट सेल वगैरह लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ये पहले भी कठपुतलियों खेल हुआ करते थे, सामने देख सकते हो आप। ऊपर राजा, नीचे राजा रानी बैठते थे, वहाँ ऊपर भी बैठते थे, वहाँ पर दास दास ही बैठते थे। ये देख सकते हो आप, ये राजा का डाइनिंग हॉल हुआ करता था, यहाँ पर राजा लोग खाना खाया करता था। अभी ये बंद कर दिया गया है, पता नहीं किस बात। देख सकते हो यहाँ पर राजा खाना खाया करते थे, आज भी इसी ट्रेडिशनल स्टाइल में राजा आज भी यहाँ पर, जो ज़्यादा पद्मनाभ सिंह जी हैं प्रजानी के राजा, वो भी इसी स्टाइल में इसी स्ट्रक्चर में खाना खाते हैं आज भी। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर खास दिखाता हूँ आपको, आइए। ये जो फोटो है, अभी 2011 में सवाई भवानी सिंह जी जो थे वो डेथ हो गई थी उनकी, वो भी आज इसी ट्रेडिशनल टाइम में खाना खाते थे। ये सवाई भवानी सिंह जी हैं क्योंकि 2011 में उनकी डेथ हो गई थी, आज भी इसी स्टाइल में खाना खाया करते थे ये लोग। यहाँ देख सकते हो वो जो स्वादिष्ट जो खाना था वो इस कुछ इस तरह बना करता था, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह वो स्वादिष्ट भोजन बना करता था राजा महाराजाओं के लिए उस टाइम पे। ये देख सकते हो आप, यहां पर जो गेहूं जो आटा होता था यहां पर साफ हुआ करता था, ये देख सकते हो आप, यहां पर साफ हुआ करता था। और यहाँ पर कुछ इस स्टाइल से, इस ट्रेडिशन से आटे की पिसाई हुआ करती थी, वो भी जौ मक्का ज्वार बाजरा। और हम आ चुके हैं दूसरे जनाना शाही भोजनालय में। ये जनाना शाही भोजनालय है, यहाँ पर सारी रानियां और उनकी दासियां बैठा करती थी, जो भी शाही परिवार के लोग होते हैं वो भी इसी, अभी भी इसी ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाते हैं। वो अभी भी कैसे खाएंगे तो आप सोच रहे होगा, तो अभी भी ट्रेडिशनल, ये जो ट्रेडिशनल स्टाइल अभी भी इस तरह से सिटी पैलेस के अंदर, जो उनका खास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर इसी ट्रेडिशनल में अभी भी ऐसे खाना खाते हैं। और ये सामने जो ये हुआ करता था, यहाँ पर बीच में पर्दा लगा दिया करता था, ऐसा हुक देख रहे हो आप, ये हुक ऊपर देख रहे हो आप, ये जो हुक्स हैं इन हुक्स के अंदर यहाँ पर पर्दा लगा दिया करता था, जिससे कोई भी मर्द आदमी इनको देख ना सके महिलाओं को। आप ये देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर गर्मियों में जो राजा हुआ करते थे, एक तरह से उनका डाइनिंग हॉल सोने के वो होता, देख सकते हो बिस्तर वगैरह, यहाँ पर राजा जो हुआ करते थे वो यहाँ पर निवास करते थे। ये उसी ज़माने के सारे फर्नीचर वगैरह रख देखे हुए हैं, देख सकते हैं बग्घी वगैरह रखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, दोस्तों ये है फाउंटेन, तो आप ये देख सकते हो सागर लेक है जिसकी बाउंड्री जा रही है नीचे, अब तो बंद हो गई है ये, पानी को इकट्ठा करने के लिए और यूज़ करने के लिए, ये भी इसके यहाँ से भी लोग वाक यूज़ किया करते थे। ये देख सकते हो आप, ये टूटी हुई है बीच में दीवार। बाकी यहाँ का जो नज़ारा आप देख सकते हो, खूब इंजॉय कर सकते हो आप, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो, एक नंबर व्यू दोस्तों यहाँ देख सकते हो आप। और दोस्तों ये है विलास मंदिर, यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, मुझे पता नहीं अब क्यों नहीं है लेकिन पहले हुआ करता था। और दोस्तों मेरे को एक खिड़की मिली है, इसमें देखते हैं क्या दिखता है। इसमें से दिख रहा है अपन को आमेर, जहाँ अपन आए थे, आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये है आमेर और यहाँ पे अपने खड़ी की थी बाइक, ये है आमेर। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये विलास मंदिर है, इसके अंदर जो सेना हुआ करती थी वो रहा करती थी, देख सकते हो आप। यहाँ से सीधा आपको चुमित ने बता दिया, व्यू दिख रहा है वहाँ पर, वो माफ्टा लेक है उधर, वो आमेर है, सुमित ने बताई दिया आपको।
यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, निवास हुआ करता था राजा का। यहाँ पे सर्दियों में रोका करते थे राजा, देख सकते हो आप। ये एक और खिड़की आ जाती है, यहाँ से आपको दिख जाता है व्यू, काफी अच्छा व्यू। ये दिखाई हुआ, और आप ये देख सकते हो ये विंडो है, ये पत्थर पर तराशी हुई है, देख सकते हो आप। इतनी मोटी पत्थर, करीबन एक, करीबन दो इंच, दो तीन पांच इंच की है, इसको तराशा हुआ पत्थर के ऊपर। पत्थर की ये वो है खिड़की, देख सकते हो आप इतनी मोटी, मतलब इनको नक्काशी की हुई है पत्थर से। ये कोल लैंप के लिए हुआ करता था उस टाइम पर, ये कोल लैंप के लिए है, चारों तरफ हवा के लिए कोल लैंप। तो आपको वो जो दिख रहा है, वो जो तीन वो है, वहाँ हमराज पिक्चर की शूटिंग के लिए वहाँ जो 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 वो एक्टर था उसको वहाँ पर लटकाने का पहले बोल रहे थे। और ये जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शूटिंग लाल बादशाह और अजनबी, मेरी अजनबी में किसी का अंतर है, वो गाना यहीं पर शूट हुआ था। और दबंग का एक मूवी का गाना है, वो भी यहीं पर आपको शूट हुआ था, वो जो देख रहे हो आप, जूम कर देखा था आपने। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ इस तरह की ये बनी हुई है, इनके भी बहुत महत्व है, आप दिखाता हूँ। ये जो छोटी हाउल है, इससे आप देखोगे तो आपको उससे दूर का दिखाया जाएगा, दूर तक का आपको इससे दिखाया जाएगा, देख सकते हो आप यहाँ से दूर से, देख दूर का नज़ारा यहाँ से देख सकते थे अपन। और ये जो बड़ा होल है सर, ये जो बड़ा होल है इसके अंदर फिर जो इंसान पास आए थे, मतलब जो वो हमलाकर्मी जो युद्ध करते थे, युद्ध करने वाले जो सिपाही होते थे, वो यहाँ से पास दिखते थे सिपाही वगैरह। अब आप बोलोगे भैया आपने ये भी बता दिया, ऊपर वाला भी ये बता, तो नीचे वाला किस काम का है? आप देखोगे भैया नीचे वाला किस काम का है भैया, तो ये इस काम का है, यहाँ पर जब सेना बिल्कुल पास आ जाती थी दुश्मन की, तो यहाँ से उबलता हुआ पानी और उबलता हुआ तेल यहाँ से वो डाला करते थे, मतलब फुल सिक्योरिटी थी, मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, फुल सिक्योर टाइप से बनाया करते थे। तो ये इसलिए इन खानों का भी बहुत उपयोग है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ऐसे ये खाने बना दिए हैं, इनका भी बहुत 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 उपयोग है। फिर पूरे किले के अंदर ये जो इसको दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग के अंदर पूरे चारों तरफ ये चीज़ आपको मिलेंगी। आपको बता दिया यहाँ पर दबंग, अजनबी, हमराज और लाल बादशाह पिक्चर की यहाँ शूटिंग हुई थी। और ये जो जगह है, ये वहाँ उस टाइम का गार्डन हुआ करता था, इधर चारों तरफ अलग अलग डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे हुआ करते थे उस टाइम, बहुत अच्छे अच्छे, बीच में यहाँ पर फुब्बारा हुआ करता था। और इस जगह को भी आप अपने रॉयल वेडिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर आप इसको अगर लुफ्त उठाना चाहते हो उस टाइम का, तो आप इसको बुक कर सकते हो अपनी शादी के लिए। तो यहाँ पर ये जो राजा महाराजा उनको अभी भी शादी के लिए देते हैं रेंट पर। आपने देख लिया होगा ये कैनन फाउंड्री, तो आपको ले चलते हैं जहाँ पर तोप बनाया करती थी, जो इतनी सारी तोप आपने शुरू में देखी थी स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर जो सारी तोप बनी हुई है, जयगढ़ में बनी हुई है, तो देखते हैं आज तोप की फैक्ट्री। आओ, और दोस्तों हम आए हैं मास्क लगा के, और मास्क लगा के ही जाएंगे, अब जा रहे हैं हम कैनन फाउंड्री जहाँ पर तोप बनती थी। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बजरंग बार तोप है, ये ऐसे ही नहीं निकाली जाती थी, ये जो तोप है वो ओनली युद्ध के टाइम पे निकाली जाती थी, इसको 32 बैलों द्वारा खींच के ले जाया करता था ऊपर की तरफ, और वहाँ पर से चलाई जाया करती थी। ये भी और बड़ी तोप में से एक बड़ी तोप है, यहाँ पर इसका भी पूजा होता है, जब रॉयल फैमिली शस्त्र वाले दिन इसकी पूजा करने आते हैं। यहाँ पर जो सेनापति हुआ करते थे, वो सेनापति यहाँ से पूरे फोर्ट को देखा करते थे, उनके निगरानी में यहाँ देखते थे। और जो वो सामने आपको फ्लैग दिख रहा है और वो जो टावर दिख रहा है, वहाँ पर भी सेनापति का सेना ऊपर रहा करता था, वहाँ की 11 की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, रस्सी वगैरह से वो चढ़ा करते थे। और यहाँ पर वो जो गाना है ना अजनबी फिल्म में मेरी ज़िंदगी का, कौन सा गाना है, वो यहीं पर शूट हुआ था दोस्तों। तो आप देख सकते हो अपन आ चुके हैं कैनन फाउंड्री के अंदर, ये जो देख रखे हैं ये मोल्ड्स हैं, इसके अंदर लोहा को पिघला कर डाला कर दाया जाया करता था, और फिर इसको सांचे के अंदर डाल के, ये जो सांचा है इसको गोल घुमाते थे, इसको गोल गोल ऐसे घुमाते थे, और इसको फिर इसमें से निकाला जाता था, मतलब ऑटोमेटिक ही निकल जाया करते थे। और ये सांचे हैं यहाँ पे तोप बनाती थी। और जो जयवार तोप है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप, वो भी यहीं बनाई गई थी। वो कैसे बनाई गई थी वो मैं बताता हूँ, वो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर वो जयवार जो तोप थी वो बनाई थी। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये सांचे हैं सारे गोल गोल घूम करके उस टाइम पे बनाया करते थे भट्टी वगैरह के अंदर। ये जो देख रहे हो आप दोस्तों, इससे उस मोल्ड को घुमाया जाता था और फिर उसको तोप को निकाला जाता था उसके मोल्ड के अंदर। देख सकते हो आप, ये भट्टी के औजार हैं,
जो तोप बनाने का काम आया करते थे उस टाइम पर। ये औजार हैं, देख सकते हो आप, जो लोहा को निकालना, डालना, उनको खदेड़ना, लोहे को मिलाना वगैरह, इससे काम आया करते थे। ये यहाँ पे अभी दो दो सांचे पड़े हुए हैं तोपों के, जो सारी तोप आपने देखी थी वो सही यहीं पर बनी थी जयगढ़ किले में। ये जो है लकड़ी की सागड़ी है, ये जो लकड़ी हुआ करती थी, इसी से वो जयबार तोप बनाने के लिए जो भट्टी में जो लकड़ी लगा करते थे, इन लकड़ियों को यूज़ करते थे जलाने के लिए। और जो जयगढ़ किला है कोई हरा नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तोप वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें ज़्यादातर किसी ने हमला नहीं किया। क्योंकि और दूसरी बात ये थी कि जो सवाई जय सिंह सेकंड थे, उनका काफ़ी उनसे संबंध अच्छा था अकबर से। ये विभिन्न औजार हैं, देख सकते हो आप, लिखा हुआ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ब्लैक स्मिथ्स वर्कशॉप, जो लोहार खाने से जो लोहा विभिन्न तरह के औजार बनाते थे वो हैं, ये वही हैं ये सारे। और ये रस्सी है, ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने शायद जिंदगी में शायद इतनी मोटी रस्सी नहीं देखी आज तक। ये रस्सियों से ही उस के अंदर जो तोप को जो घुमाया करते थे, तोप को उठाया करते थे, वो इसी रस्सी से बैलों को बांध कर घुमाना, बैलों से तोपों को ले आना, वो इसी रस्सी से हुआ करते। ये मतलब जिंदगी में इतनी बड़ी रस्सी, इतनी मोटी रस्सी नहीं देखी। और ये जो देख सकते हो आप, ये लोहार खाने का सामान है, जो लोहा पिघलाने के काम आते थे। देख सकते हो लिख भी रहा है लोहार खाने का सामान, लोहा पकड़ना, निकालना, पिघलाना वगैरह, ये सारे सामान है, ये चिमटी वगैरह सब लिखी हुई हैं सामान। वो ढाल वगैरह भी यहाँ पर बनाई हुआ करती थी, देख सकते हो ढाल, पानी के कलश, ये भी यहाँ पर रखे हुए हैं उसी टाइम के दोस्तों, ये भी। हाँ, ये देख रहे हो आप, ये चारपाई चौपाट, ये यहाँ पर लिखा हुआ हाथी व पंखा एवं पंखी, हाथ के पंखा वगैरह हैं वो, चारपाई चौपाट उसी टाइम के बने हुए हैं, ये अभी भी सुरक्षित हैं बिल्कुल, देख सकते हो आप। और वो सामने पता नहीं क्या है कपड़ा सा, मुझे नहीं पता, आप देख रहे हो कपड़ा सा सामने जो देख रहे हो आप, कपड़ा पता नहीं कौन सा कपड़ा है वो, उस टाइम का बेड वगैरह है। ये खराद मशीन है, खराद मशीन समझते हो आप, जो आजकल जिसको अपन बोलते हैं लेथ मशीन, ये लेथ मशीन है उस टाइम की, और सामान भी लगे हुए हैं इस पर लेथ मशीन के ऊपर। ये लेथ मशीन के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तोप वगैरह को काटने, लंबा करने, छोटा करने, छेद करने काम आ करते थे। ये तोप खाने का मॉडल है एक तरह से, छोटा मॉडल है ये दोस्तों। ये भट्टी का ऊपर का नज़ारा है, ये यहाँ से वो लोहा वगैरह डाला करते थे, मतलब यहाँ से ऊपर नीचे कुछ क्या करते थे। हम बहुत देर बाद भट्टी मिली है, क्योंकि एक दो बोल रहे पानी का निकास वगैरह एग्जिट के लिए, बट ये पानी का निकास वगैरह नहीं है, ये भट्टी ही है, देख सकते हो आप। यहाँ पर ये बंद कर रखा है इसको, ऊपर से इसमें से सोन वो आता था, और यहाँ पर आग जलाई जाती थी। और ये जो है यहाँ से हवा के लिए कुछ डाला हुआ है ना हवा के लिए, ये भट्टी हुआ करती थी उस टाइम की। हमें काफ़ी देर बाद ढूंढने वाली भट्टी मिली है, इसमें ही जो तोप होते थे, जिसमें जो तोप हुआ करती थी, उनका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जो कि लोहा और जो भी बनाते थे मिलके, ये बना के मिला के, तो वो यहाँ पर गलाई जाती थी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे। ये जो रास्ता दोस्तों, ये आमेर जाने वाला है, यहाँ से और टिकट ले सकते हो अंदर आने के लिए है, अंदर आने के लिए है। जब ये दोस्तों हटेंगे तब हमको ऊपर, दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पे टाका, इसके अंदर जो पूरा वाटर पानी स्टोर किया कर जाता था उस टाइम भी, इसमें पानी जो पीने का काम आता था, मतलब इसमें इतना पानी स्टोर होता था कि 10,000 लोग 2 साल तक इसमें पानी पी सकते हैं, इतना पानी यहाँ पर स्टोर हुआ करता था। और यहाँ पर पूरा वाटर टैंक है, वो यहाँ पर ऐसा 3-4 टाके हैं, चारों में अंदर यहाँ पर पानी वाटर स्टोर किया करता था दोस्तों। यही वो जगह है जो 1976 में जो इंदिरा गांधी थी उसने यहाँ पर खुदाई करवाई थी। 1975 में यहाँ पर उसने जो अपनी रानी थी जयपुर की, वो उसको जेल में कर डाल दिया था, और इसी के 40 फीट नीचे खुदाई करवाई थी, और 60 से 70 ट्रक यहाँ से सोना ले जाया गया, और 2 दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया था। 2 दिन तक यहाँ से सोना निकाल के 60 से 70 ट्रकों में दिल्ली ले जाएगा, जो कि इंदिरा गांधी के पास पूरा सोना, ऐसा कुछ बोलते हैं, बाकी मुझे श्योर नहीं। भाई कुल्फी खा रहा है, मस्त एंजॉय कर रहा है अपनी कुल्फी का। हाई करना एक बार भाई बाय। तो ये देख सकते हो आप, ये वहाँ नीचे जाने की जगह है, जहाँ से पूरा सोना निकाला जाता,
इंदिरा गांधी के टाइम पर। ये पानी अभी भी यहाँ पर है, ये पानी साफ है और अभी भी ये पीने के काम आता है पूरे महल के। यहीं से इस टांके का रास्ता है, इसके अंदर काफ़ी सारे पिलर्स बने हुए हैं, नीचे इसको मजबूती प्रदान कर दिया। इसके 40 फीट नीचे ये जो टैंक है 40 फीट का है, इस टैंक के 40 फीट नीचे कारखाना है। उस कारखाने के अंदर जो सवाई जयसिंह सेकंड थे उन्होंने यहाँ पर सोना दबाया करता था, जो पूरे उसने जिंदगी भर में सोना कमाया था यहीं से, यहीं पर 40 फीट नीचे दबाया था और घूम कर। दोस्तों जिस चीज़ का आपको इंतजार था बेसब्री से, तो वहीं पर हम जा रहे हैं जयवाड़ तोप। इस व्लॉग की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ के पास, तो चलते हैं सीधे, मिलते हैं जयवाड़ तोप के पास। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है ना व्लॉग में, लाइक छोड़ दो लाइक। एक तोप के वहाँ जा रहे हैं हम सीधा, आ चुके हैं जयवाड़ तोप की तरफ। जो आप जाएंगे जयवाड़ तोप देख रहे हो, इसके भी इतिहास के बारे में जानेंगे, पर पहले अपन जानते हैं इस जयगढ़ फोर्ट का इतिहास और जयगढ़ के बारे में। तो जयगढ़ के बारे में बताऊं तो ये 1726 में बनाया गया था, राजा सवाई मानसिंह जी ने इनको स्टार्ट किया था बनाना। ये लगभग 150 साल में बना है दोस्तों, 150 साल में ये बना है। अकबर था जो सवाई जयसिंह जी थे, वो उनका फूफा और भतीजे का रिलेशन हुआ करता था, तो इनके मुगल एम्पायर से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। तो जो इसमें जो सोना गड़ा हुआ था वो जो भी अकबर और राजा जयसिंह, राजा मानसिंह दोनों जो उनके वो थे साथ के, तो ये तो दोनों जो सोना लूटा करते थे, कोई भी रियासत लूटा करते थे, तो ये 50-50 सोना आधा आधा कर लिया करते थे। इस चक्कर में जो राजा जयसिंह जी थे उनके पास इतना सोना आ गया था कि उनकी सात पीढ़ी भी उस सोने को आराम से खर्च करें तो भी खर्च नहीं हो सके, और सात साल तक वो खजाना खत्म नहीं हुआ, इतना खजाना वो वहाँ से ले आए थे। एक बार क्या हुआ था, राजा जयसिंह जी जो थे वो अफगान गए थे, जो लूटा हुआ खजाना था अफगान से आया था। तो अफगान की स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, जो अफगान था, अफगान में जब लुटेरे वहाँ पे लुटेरे हुआ करते थे, काबुल के अंदर लुटेरे होते थे, तो लुटेरे जो थे वो उनसे परेशान थे। तो एक बार अकबर ने अपने सेनापति राजा जयसिंह जी को भेजा, और वहाँ पर उनने जो सोना लूटा तो वो उनने उनको बताया नहीं, अकबर जी को बताया नहीं, और जो भी सोना मिला था अफगानिस्तान से वो सारा सोना लेके वो यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर वो टाँका जो मैंने बताया आपको पिछले, जो कि इंदिरा गांधी ने वहाँ से लूट लिया वो सारा सोना, तो वहाँ पर उन्होंने वो छिपा दिया था 40 फीट नीचे उस टाँके के अंदर, जहाँ पर तहखाना है 40 फीट नीचे, वहाँ किसी के जाने की एंट्री नहीं है। जो बीरबल था, नौरत्न आपने जानते हो, अकबर के अगर नौरत्न है जो बीरबल था, वो भी उनमें से एक रत्न हुआ करता, उसको अफगानिस्तान में मार दिया था। तो उसके अफगान जाने का जो मुद्दा था, मेन मुद्दा वो इसलिए ये था कि वहाँ पर यूसुफ को मारकर सवाई जयसिंह सेकंड वहाँ से आए थे और उन्हें अकबर का बदला लिया था। तो एक बात मैं बताना भूल गया आपको, तो ये जो जयगढ़ का किला है वो 1036 1036 BC में काकल देव ने इसका नींव रखी थी, और उसके बाद 27 राजाओं ने मिलकर इस पूरे जयगढ़ के किले को बनाया था, जो कि 700 साल में कंप्लीट हुआ था। ये जयगढ़ का किला जो देख रहे हो आप, आपने पूरी वीडियो इंटरेस्ट किया वो देखा होगा। और इसकी जो सुरंग थी वो 1592 में इसकी जो सुरंग है जो जयगढ़ से आमेर जयगढ़ है वो 1592 में बनाई गई थी। देख सकते हो दोस्तों मेरे पीछे जयवाड़ तोप रखी हुई है। इस तोप को अलग अलग भागों में वहीं जो तोपखाना वहीं बनाया गया था 1720 में सवाई जयसिंह सेकंड जी ने तोप बनवाई थी। इसके अंदर जो गन पाउडर हुआ करता था वो 100 किलो गन पाउडर डाला जाता था, और इसका 50 किलो का इसका गन वो गोला हुआ करता था। इसको जो चलाया था जिस आदमी ने इसको चलाया था वो इधर पीछे तालाब में गिर गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसकी ओनली डायरेक्शन चेंज करने के लिए दोस्तों चार हाथी रखते थे। ये जो तोप है इसको चलाने के लिए 6 हाथियों की आवश्यकता होती थी, 4 हाथी मैंने बताई दिया वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए होते थे। और दोस्तों इसके अंदर जो इसके पीछे जो बीक लगाई थी वो 100 फीट की बीक लगाई थी जिसके कारण किसी को कोई नुकसान ना हो। ये जो देख सकते हो आप, ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक छेद है, इसका 100 फीट लंबी बीक लगाई गई थी, जूम करके। सौ फीट लंबी बीक लगाने के बाद जिसने इसकी बीक लगाई थी वो उसको कोई क्षति ना हो,
कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो वीक में आग लगाने के बाद वो इस तालाब में कूद गया था। यहाँ पे तालाब था तो उसमें कूद गया था, जिससे तो कानों के पर्दे फटे नहीं। लेकिन उस तालाब में कूदने के बाद भी वो जो सिपाही था उसके कान फट चुके थे। इतनी खतरनाक इसकी टेस्टिंग हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ये सिर्फ एक बार चलाई गई थी, वो भी टेस्टिंग के लिए चलाई थी। उसके अंदर बहुत ही हानि हुई थी, आसपास के गांव के अंदर भी इसकी बहुत क्षति हुई थी। महल की दीवारें भी इससे बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी उस टाइम पर। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तोप है, लगभग 250 किलो वेट की ये तोप है। 250 टन की ये तोप है। इसका पूरा 250 है। इसकी जो लंबी बैरल, इसका जो बैरल है, हाँ तो दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ आपको। तो मैं बता रहा था आपको 250 टन वेट की ये तोप है। इसका जो ये पहिया है आगे का, ये जो पहिया लगभग 9 फीट ऊंचा है। मेरी हाइट अगर 5'4" 5'6" है तो उससे भी बड़ा देख सकता हूँ ये पहिया है। और इसकी जो बैरल है ये 20 फीट की है, लंबी है। इसकी जो बैरल 20 फीट लंबी है। ये 100 किलो इसके अंदर गन पाउडर रखा जाता था, 50 किलो का इसका गोला हुआ करता था। अंदर से जब टेस्टिंग किया गया था इसको, तो ये पहली बार चलाई गई थी, तो इसका जो गोला था वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर चाकसू के नाम के गांव में गिरा था। वहाँ पे एक तालाब बन गया था उस गोले से, और उस तालाब का नाम है गोलीमार तालाब। वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे। और दोस्तों ये पूरी जो तोप है इसकी जो लंबाई है वो 32 फीट लंबी है। और मैं एक बार आपको बताना भूल गया था कि जो खजाना था जो वहाँ पे निकाला था इंदिरा गांधी जी ने, खजाना निकाला था जो कि चोरी किया था, निकाला क्या था, चोरी किया था उनने खजाने को। तो ये जो तोप है इसको सब तो धांधु से बनाया गया था, जिससे इसके अंदर जंग ना लगे। दोस्तों आप देख सकते हो वो आमेर फोर्ट है वहाँ पर, उधर पीछे जल महल है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे ये सुरंग का रास्ता खुलता है, जो कि 2 किलोमीटर का सुरंग का रास्ता है। यहाँ पर यहीं पे बीच में कहीं खुलता है, तो 2 किलोमीटर सुरंग है जो नाहरगढ़ से जयगढ़ के लिए आती है, जो कि रॉयल परिवार के लिए सुरक्षित से युद्ध हुआ करता था, तो उनके सुरक्षित सेफ एक किले से दूसरे किले के पहुँचाने के लिए। और आप यहाँ पर आओ तो पानी की बोतल कैरी करना ज़रूर लेके आना। और मैं बता दूं एक चीज़, आप जो स्टूडेंट आईडी है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि स्टूडेंट जो आईडी पे 50% डिस्काउंट है। बाय बाय। और दोस्तों यहाँ पर टर्न बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर आप आओ तो यार हॉर्न बजा के ही निकलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेफ नहीं है। मतलब हॉर्न अगर नहीं बजाओ तो सेफ नहीं हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जयगढ़ फोर्ट जो किला है आपने पूरी वीडियो एंजॉय की होगी, सिनेमैटिक शॉट वगैरह। और मैं जो खड़ा हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, आप देख सकते हो पीछे मेरे। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं सुबह 9 बजे एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको मालूम है हम घूमने जाने वाले हैं इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए। और दोस्तों जो आगे की व्लॉग आने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही तहलका वाले आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी होगी एजी सोई के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। और कल सुबह मिलते हैं 9 बजे एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय।